साउथ दिल्ली के हौज खास थाने की पुलिस टीम ने देर रात इलाके में गश्त के दौरान लुधियाना के दो गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। दोनों लुधियाना में कुख्यात शुभम गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 13 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस, एक अल्टो कार व एक मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रेशन की फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। पुलिस टीम ने खून से सने कपड़े और जूते भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरबजीत सिंह और करणवीर सिंह के रूप में की गई है। दोनों आरोपी पंजाब के लुधियाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि दिल्ली पुलिस अपराध पर रोकथाम के लिए लगातार इलाके में गश्त कर रही है। इसी बीच ACP लक्ष्य पांडे के मार्गदर्शन में हौज खास थाने के SHO अक्षय कुमार रस्तोगी ने एक टीम का गठन किया, जिसमें हौज खास थाने इंस्पेक्टर रोहित लोहिया टीम के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। 17-18 जून की मध्य रात्रि में हौज खास थाना के पेट्रोलिंग स्टाफ को गश्त के दौरान ERB स्टाफ SI रघुराज और कांस्टेबल मनोज को सुबह लगभग 4 बजे पता चला कि एक संदिग्ध मारुति ऑल्टो कार, जिसमें दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, यह कार हनुमान मंदिर के पास देखी गई है। पेट्रोलिंग टीम जब गौतम नगर रोड पर पहुंचे तो देखा कि संदिग्ध हालत में दो युवक कार में बैठे हुए थे। जैसे ही पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के लिए कार के पास पहुंची तो दोनों व्यक्ति घबरा गए और कार का दरवाजा बंद कर मौके से भागने की कोशिश करने लगे। ASI रघुराज और कांस्टेबल मनोज ने तुरंत दोनों व्यक्तियों को काबू कर लिया। दोनों व्यक्तियों की तलाशी के दौरान उनके कब्जे से दो लोडेड देशी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई। PRB स्टाफ ने तुरंत हौज खास थाने को सूचित किया, जिसके बाद इंस्पेक्टर रोहित लोहिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अल्टो कार की जांच की। पुलिसकर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना हौज खास थाने को दी, जिससे मौके पर अन्य पुलिसकर्मी भी पहुंच गए। तलाशी लेने पर कार में 13 जिंदा कारतूस, 13 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, खून लगे हुए कपड़, जूते व मध्य प्रदेश की फर्जी नंबर प्लेट भी मिली। आरोपितों की पहचान सरबजोत सिंह और करणवीर सिंह के रूप में हुई है। दोनों आरोपित लुधियाना में कई संगीन मामलों में शामिल हैं। दिल्ली में इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच में पता चला है कि पंजाब के शुभम गैंग व पुनीत बेन गैंग में अभी गैंगवार चल रहा है, इसलिए फरीदकोट जेल में बंद ऋषभ के निर्देश पर ये लोग मध्य प्रदेश से पिस्टल व गोलियां खरीदने गए थे। MP से ही ये लोग 13 पिस्टल व गोलियां खरीदकर ला रहे थे। उन्होंने यह सब 1,00,000 रुपए में खरीदा था। MP से पंजाब वापस जाते समय ये लोग गौतम नगर में आकाश से रुपए लेने आए थे। आकाश इन्हीं के गैंग का सदस्य है और हौज खास थाने का घोषित बदमाश है। ये लोग कार में आकाश का ही इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस ने दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। मॉर्निंग आवर्स में 3:30 बजे के करीब हौज खास थाने के अलर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ ने एक पंजाब नंबर लगा हुआ मारुति अल्टो गाड़ी देखा गौतम नगर के इलाके में। जब सस्पिशियस पाकर उसको चेक करने की कोशिश किया गया तो वहाँ से भागने की कोशिश किए उस गाड़ी में जो दो व्यक्ति थे। स्टाफ ने उनको रोककर ओवरपावर किया और उनकी तलाशी ली, गाड़ी की तलाशी ली। उसमें से 13 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल अलोंग विथ 13 राउंड और 4 एडिशनल मैगजीन बरामद हुए। ये पता चला है कि ये दोनों लुधियाना पंजाब के एक शुभम गैंग का पार्ट है और वो आपस में कुछ गैंग राइवलरीज के चक्कर में ये वेपन्स इंदौर मध्य प्रदेश से खरीद के लाए थे और ये हौज खास के इलाके में, गौतम नगर के इलाके में किसी अपने जानकार से मिलने के लिए आए थे, जब उनको हमारे पेट्रोलिंग स्टाफ ने पकड़ लिया। जो अभी इसमें दो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है सरबजोत सिंह और करणवीर सिंह। इस केस में और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।